हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसके नियम क्या हैं, उन नियमों को देखेंगे और ही बहुत आसान तरीके से इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहली बात तो हम आपको बताते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है और दूसरा वाक्य ऐसा होता है जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो हम जब इंडाइट बनाते हैं तो सहायक क्रिया से जो वाक्य होते हैं उनको बनाने का नियम दूसरा है, और जो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है उनको बनाने का नियम दूसरा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी जो वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है। तो इसमें क्या है, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य की इंडाइट बनाते समय इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, यानी जो कनेक्टिव वर्ड, इससे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे तो उसमें हम कनेक्टिव वर्ड दैट कंजक्शन का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जब वाक्य शुरुआत सहायक क्रिया से होगी तो हम कनेक्टिव वर्ड में इफ या वेदर, यानी दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इफ या वेदर इन दोनों में से कोई एक कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग कर लेंगे। और रिपोर्टिंग और सेड को अभी तक हम टोल्ड में बदलते थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन इसमें हम टोल्ड ना करके आस्क्ड में बदलेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम आस्क्ड में बदल देंगे। और जो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो जब इंडाइट बनाएंगे तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखते हैं, वाक्य दिया है हरी सेड टू राम आर यू स्लीपिंग नाउ। इसमें ऊपर दिया है इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव सेकंड यानी जो क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरुआत होती है उनको जब बनाते हैं तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड हो जाता है। जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, वही हमारा कनेक्टिव वर्ड हो जाता है। तो इसमें देखते हैं, हरी सेड टू राम आर यू स्लीपिंग नाउ। तो सबसे पहले हरी, अब हम सेड को हम आस्क्ड में चेंज कर लेंगे, अफर्मेटिव में हम टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड बदल लिए। तो हरी आस्क्ड राम, उसके बाद में ये कामा, इन्वर्टेड कामा हटा करके हम यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगा देंगे। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर सहायक क्रिया आर है, यानी वाक्य स्वर सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो हम सबसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी आर वर्ब के एनजी फॉर्म है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम ले जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पर आर है तो आर का वाज होगा, लेकिन हम ये नहीं कि यहाँ पर आर है तो तुरंत यहाँ पर वाज लिख दें, नहीं, पहले हम प्रोनाउन देखेंगे, जो सब्जेक्ट है हमारा होता है, यू हमारा सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट में हो गया। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है यू आपका प्रोनाउन है, तो इसको हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे, इसको हम बदल लेंगे। तो हमने आपको बताया, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि आपके प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट को सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। तो ये आपका यू जो है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट साथ चेंज कर लेंगे। ऑब्जेक्ट है राम, पुल्लिंग, पुल्लिंग में किसी का जब नाम होता है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते हैं ही, यानी जो ये यू था यू चेंज होकर के यहाँ पर हो गया ही। अब ये टेंस चेंज करेंगे, टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है तो हम पास्ट का सहायक लगा देंगे। तब चूंकि ही सब्जेक्ट आपका एकवचन है तो ही के साथ सहायक क्रिया आ जाएगी वाज, ही वाज स्लीपिंग नाउ का हो जाता है देन। इस प्रकार से फुल स्टॉप रख देंगे, आपका इनडायरेक्ट बन गया। अगला वाक्य है, राजू सेड टू मी डू यू वर्क वेल। तो सबसे पहले राजू सेड को चेंज कर लिए आस्क्ड में, आस्क्ड मी, उसके बाद में अब यहाँ पर डू यानी कामा को हटा करके हम इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे। तो वेदर लिख रहे हैं डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर, यानी चाहे इफ लिख लो चाहे वेदर, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब ये डू जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को ले जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या करते हैं, हम सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रोनाउन चेंज करेंगे,
यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का यहाँ हो गया आई। आई होने के बाद में अब ये टेंस चेंज, टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वर्क जो है ये क्रिया है इसकी सेकंड फॉर्म कर लेंगे, तो सेकंड फॉर्म हो गया वर्कड, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड, उसके बाद में वेल, फुल स्टॉप, आपका हो गया वाक्य। अगला देखते हैं, द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लिव नाउ, द टीचर, अब ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेकंड यानी प्रश्नवाचक वाक्य, अभी तक यहाँ पर सहायक क्रिया थी, सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत है, तो चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो चाहे इंट्रोगेटिव सेकंड हो, हम यहाँ पर रिपोर्टिंग और सेड को आस्ड में चेंज कर लेते हैं, तो आस्ड कर लिया, उसके बाद में मी हो गया, आस्ड मी, तो द टीचर आस्ड मी। अब हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट में इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड हो जाता है, तो यहाँ पर हुयर क्वेश्चन वर्ड है, तो यही हमारा कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर हुयर हो गया, इफ या वेदर ना लिख करके दिया क्वेश्चन वर्ड कनेक्टिव वर्ड हो गया, हुयर हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट साथ चेंज, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का हो गया यहाँ पर आई। अब यहाँ पर देखेंगे ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट डू सहायक क्रिया जो प्रेजेंट इंडिफिनिट की है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट क्या करते हैं, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो लिव जो है लिव की सेकंड फॉर्म कर लेंगे लिव्ड। उसके बाद में नाउ का हो गया देन, इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। लास्ट है, राम सेड टू कृष्णा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो राम, ये वाक्य जो है नीचे नहीं दिख रहा था तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, तो देखेंगे राम, उसके बाद में सेड है, तो सेड का हो गया आस्क्ड कृष्णा, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड व्हाट, काम एड काम हटा करके हमने जो दिया हो क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड हो गया, तो व्हाट लिख दिया। उसके बाद में यू चेंज कर लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट है कृष्णा, पुल्लिंग, तो हो गया ही। उसके बाद में आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो पास्ट का सहायक क्रिया वाज वेयर, तो ही के साथ वाज, ही वाज डूइंग हेयर का हो गया देयर। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य भी बता रहे हैं, अगले कुछ वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य दिया है, राज सेड टू मी डू यू नो मोहन, तो राज सेड का हमने कर लिया आस्क्ड मी। उसके बाद में अब ये वाक्य शुरुआत सहायक क्रिया से है, वाक्य शुरुआत सहायक क्रिया से है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इफ या वेदर करेक्टिव वर्ड कर लिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके इफ या वेदर करेक्टिव वर्ड कर लिया। अब यू चेंज कर लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का हो गया आई। उसके बाद में ये डू प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस, डू जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को ले जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट में क्या करते हैं, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम जो नो है तो इसकी हम सेकंड फॉर्म कर लेंगे, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, आई न्यू मोहन, फुल स्टॉप रख देंगे, आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य दिया है, ही सेड टू देम व्हेन विल यू गो टू आगरा, तो ही सेड का हो गया आस्क्ड देम, उसके बाद में दिया हुआ, अब ये देखिए यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड हमने क्या बताया है कि इंट्रोडक्टरी सेकंड में दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड हो जाता है, तो ये जो व्हेन है तो व्हेन कनेक्टिव वर्ड हो गया, व्हेन लिख दिया। उसके बाद में यू चेंज कर लेंगे, तो यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट साथ चेंज, ऑब्जेक्ट है देम, तो देम का हो जाएगा दे। उसके बाद में सहायक क्रिया विल फ्यूचर, सैल का सुड, विल का उड, तो यहां पर विल है तो विल का उड हो जाएगा, उड फिर क्रिया गो टू आगरा, इस प्रकार से वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, ए सेड टू बी वेयर इज द डॉक्टर, तो ए आस्क्ड बी
अब ये दिया हो क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड हो गया, वेयर उसके बाद में सब्जेक्ट दी डॉक्टर, वेयर दी डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर इज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस साइकिल या तो पास्ट काल साइकिल लगा देंगे, तो वाज वेयर दी डॉक्टर वाज, इस प्रकार से बन गया। अगला वाक्य देखते हैं, ही सेड टू हिम कैन यू राइट अ लेटर, तो ही सेड का हो गया आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड हिम। अब यहां पर कैन जो है वो सहायक क्रिया है आपकी, तो सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करते हैं इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड लगा देते हैं, तो हम यहां पर कनेक्टिव वर्ड इफ कर लिए, उसके बाद में यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो चेंज कर लेंगे, तो हिम हिम का होता है ही, तो उसके बाद में कैन का कर लेंगे कुड, कैन का कुड, सैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं कुड। उसके बाद में क्रिया हो जाएगी राइट अ लेटर, इस प्रकार से वाक्य आपके हो गए। अगला देखते हैं, ये अगले कुछ वाक्य हैं, चार वाक्य इनको देख लेते हैं। राम सेड टू मी हु आर यू एंड वेयर डू यू लिव, तो इसमें हो जाएगा राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी, उसके बाद में दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड हो गया हु, उसके बाद में यू चेंज कर लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का हो गया आई, अब ये आर है तो आर का हो जाएगा वाज, हु आई वाज। एंड फिर क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे वेयर, फिर यू चेंज कर लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का फिर यहाँ हो गया आई। उसके बाद में ये डू प्रेजेंट इनडिफिनिट, प्रेजेंट इनडिफिनिट जाएगा पास्ट यूनिट में, पास्ट यूनिट क्या करते हैं सभी करता हूँ उनकी सेकंड फॉर्म, तो लिव की सेकंड फॉर्म कर लेंगे लिव्ड फुल स्टॉप, वेयर आई लिव्ड, तो आपका हो गया राम आस्क्ड मी हु आई वाज एंड वेयर आई लिव्ड। अगला वाक्य देखते हैं, द विलेजर सेड टू अस, द विलेजर सेड का हो गया आस्क्ड अस, उसके बाद में व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, ये कनेक्टिव वर्ड हो गया, उसके बाद में यू चेंज कर लेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है अस, अस का हो जाएगा वी, व्हाई वी हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट साइकिल लगा देंगे हैड, कम हेयर, कम हेयर का हो जाता है गो देयर, तो यहाँ हो जाएगा व्हाई वी हैड गो देयर टुडे, टुडे का हो जाता है दैट डे, इस प्रकार से हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, आई सेड टू हिम, तो आई आस्क्ड हिम, उसके बाद में डिड सहायक क्रिया है, अब ये वाक्य शुरुआत सहायक क्रिया से यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, इसमें क्या करते हैं इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड हो जाता है, अब उसके बाद में यू चेंज कर लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से चेंज, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का हो गया ही, अब ये डिड है पास्ट निमिट, तो इसका नियम क्या है यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है तो पास्ट निमिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलते हैं, यानी ये आपका पास्ट इनफिनिट है तो पास्ट निमिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड, ही हैड अब निगेटिव है तो हो गया नॉट, अब हैड के साथ उनकी थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म बीट की होती है बीटेन, हरी। लास्ट वाक्य देख लेते हैं, दी बॉय सेड टू मी, तो दी बॉय आस्क्ड मी, दी बॉय आस्क्ड मी, अब ये विल सहायक क्रिया है वाक्य साथ सहायक क्रिया से, तो इफ या वेदर, तो इफ हो गया, उसके बाद में यू चेंज कर लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट चेंज ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का हो गया आई, तो अब सैल का सुड विल का उड होता है, अब विल ये आपका यहाँ पर आएगा, अब चूंकि आई के साथ सैल लगता है, आई के साथ सैल लगता है अन्य सभी, आई वी के साथ सैल अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल, तो आई वी के साथ सुड हो जाएगा अन्य सभी कर्ताओं के साथ उड, तो यहाँ पर आई है तो विल का हम यहाँ पर कर लेंगे सुड, आई इफ आई सुड नॉट, फिर सेव क्रिया है, सेव मी चेंज करेंगे, आई का मी होता है
आई का मी और आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट चेंज, तो सब्जेक्ट है आपका दी बॉय यानी पुल्लिंग ही, तो आई का जब मी होता है तो ही का हो जाएगा हिम, तो यहाँ पर लिख देंगे हिम, तो मी चेंज होगा, मी चेंज हुआ हिम के रूप में। तो इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के नियम हो गए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, धन्यवाद।